भैया, ये सीरियल की दुनिया कमाल है। मतलब इमेजिनेशन भी जबरदस्त है, लेकिन लॉजिक तो दूर दूर तक नहीं है। अब देख लीजिए, धर्मपत्नी में ये शादी वाला घर, एंड यू नो ना, शादी वाला घर कैसा होता है? इतनी भीड़ भाड़, इतने सारे लोग। सोचिए, इतने बड़े घर में इतने सारे लोगों के बावजूद गुंडे आ जाते हैं घर के अंदर और किडनैप करते हैं प्रतीक्षा को। भैया, कुछ तो लॉजिक के नाम पर भी छोड़ दिया करो। कैसे हो सकता है भला? शादी ब्याह वाले घर में किसी की किडनैपिंग कैसे हो सकती है? वो भी उसकी किडनैपिंग जो इस घर में अपने पूरे परिवार के साथ आई थी रवि की शादी रोकने के लिए। अब शादी तो उसने रोका, वो एक अलग ड्रामा था, लेकिन ये वाला ड्रामा देखिए, ये ड्रामा तो उससे भी बड़ा है। जैसे आपने बोला कि ड्रामा, तो हाँ, बहुत सारा ड्रामा है। मतलब एक ड्रामा उसके अंदर एक और ड्रामा, उसके अंदर एक और ड्रामा, लॉट्स ऑफ ड्रामा एंड लॉट्स ऑफ एंटरटेनमेंट फॉर यू गाइस। गुंडे पड़े थे कब से प्रतीक्षा के पीछे, और अब देखिए, उन्होंने प्रतीक्षा को किडनैप करने की कोशिश भी कर ली। अब इतना बड़ा घर और किसी की नजर ही नहीं पड़ी। वैसे प्रतीक्षा का कहना है कि दादी को ऐसा कुछ लगा कि घर में कुछ गड़बड़ है, लेकिन फिर वो भी नॉर्मल हो गई। उस दादी को लगता है कि कोई तो है, कुछ तो फिशी चल रहा है, कुछ गड़बड़ चल रही है, बट फिर भी वो भी नहीं देख पाती हैं। वो भी कहीं ना कहीं यू नो मिस हो जाता है उनसे भी, तो वो सारी चीज़ें हैं अभी। बेचारी प्रतीक्षा खुद ही बहुत सारी मेहनत कर रही है, लेकिन वो अभी तो सफल होती नजर नहीं आ रही है। अब हम जानते हैं कि प्रतीक्षा की इस तकलीफ का एहसास रवि को होगा और वो जरूर आएगा अपनी प्रतीक्षा को खुद के ही घर में इन गुंडों से बचाने के लिए। मुंबई से प्रथमेश शानबाग के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। ABP News आपको रखे आगे।